इस बहती सभा जो राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के सुराज संकल्प यात्रा के रथ के लिए बनाई गई है। इसमें उपस्थित हमारे सभी मंचा सिंह पदाधिकारीगण, माननीय विधायकगण, अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्तागण, ये सबसे पहले आपसे एक बात के लिए माफी चाहता हूँ और वो माफी मैं इसलिए चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय से आप यहाँ विराजे हुए हैं और जब बहुत लंबे समय से आप यहाँ विराजे हुए हैं तो आपकी सूचना के लिए कल दो सभाएं हुई थी, एक सुमेरपुर में हुई थी, एक पाली में हुई थी और दोनों ही सभाओं में हमारी नायिका श्रीमती वसुंधरा राजे ने भाषण भी दिए, भीगते हुए भाषण किए, जगह जगह स्वागत भी हुआ, भीगते हुए हुआ और पिछले तीन महीने से लगातार वो यात्रा कर रही है। इसके कारण उनको रात्रि को बुखार आ गया और बुखार के कारण आज वो बहुत विलंब से रवाना हो पा रही है और यह आपके बीच में बुखार होते हुए नहीं वो आएगी और इसलिए आएगी कि आप सब एकत्र हुए और उन्होंने उचित नहीं समझा कि इस मीटिंग को निरस्त किया जाए, इसलिए उन्हें रवाना हो चुकी है। ये मैंने आपकी सूचना के लिए इसलिए कहा है। आप सब जानते हो बरसात में खेती करने जाते हैं, बरसात के कई काम होते हैं, थक जाते हैं, तो कल दोनों ही सभाओं में मैं भी उनके साथ था और दोनों ही सभाओं में भीगते हुए स्वागत भी भीगते हुए और यही एक कारण आए माताएं बहने, मैं आपसे माफी चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर माताएं बहने पधारी है तो उनको थोड़ी देर के लिए कष्ट उठाने के लिए कह दो और मैं शीघ्र उनके बीच में रवाना होकर के आ रही हूँ। ये उनकी तरफ से मैं आपको एक सूचना देता हूँ क्योंकि बहुत विलम्ब हो गया, बहुत देर हो गया, बहुत देर से आप यहाँ विराजे हैं और विराजने के कारण आज हम इसको निरस्त करना उचित नहीं समझे। आपके बीच में वसुंधरा राजे आ रही है, थोड़ा और समय तक आ रही है, बात करने के लिए आ रही है। सारे राजस्थान में 4 अप्रैल से जगह जगह जा रही है और जगह जगह जाकर के और अपने सुराज संकल्प यात्रा का उद्देश्य दे रही है, उद्देश्य बता रही है, कारण बता रही है और नवंबर में जो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में आपको किस तरफ वोट देना है, कैसे देना है, क्यों देना है, इस तरह का मार्गदर्शन करते हुए वो आ रही है। तो भाई और बहनों आपके कष्ट के लिए क्षमा चाहते हुए आप थोड़े समय और इंतजार करें, ये मैं निवेदन करूंगा। तब तक मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ और इसलिए रखना चाहता हूँ कि मुख्य उद्देश्य तो वसुंधरा राजे को सुनने का है, आप भी उतावले हो रहे हैं उनको सुनने के लिए, देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिन पर अपना बस नहीं रहता और इसलिए तब तक वो यहाँ पधारे। मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छी बात कहूँ तब तक वो आ जाए, नहीं तो एक दो वक्ता और बोले और वो आएंगे निश्चित, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ क्योंकि वो रवाना हो चुकी है। बुखार के बाद भी डॉक्टरों से राय लेके रवाना हो चुकी है, ये आपकी सूचना के लिए। भाई और बहनों आज देश में चुनावी संतराज बच चुका है। 30 मार्च से कांग्रेस ने अपनी संदेश यात्रा लेकर के सारे राजस्थान में अपना चुनाव का प्रचार प्रारंभ कर दिया और 4 अप्रैल श्रीमती वसुंधरा राजे ने अपना सुराज संकल्प यात्रा का रथ लेकर के निकल पड़ी है सारे राजस्थान की जनता के बीच में जाने के लिए। भाइयों बहनों नवंबर में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं और हो सका तो जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हो गई है देश की लोकसभा के चुनाव भी इस विधानसभा के साथ हो सकते हैं और इसलिए विधानसभा
और लोकसभा दोनों के चुनाव आपको दौरी में नवंबर में होने की स्थिति बनती है। अब ये चुनाव हर 5 साल आते हैं, 5 साल का लोकसभा का काल भी, 5 साल का विधानसभा का काल भी, ये दोनों काल 5 साल के अपने संविधान में दे रखे हैं। और इसलिए दे रखे हैं कि आप दिल्ली के लिए जिस सरकार को चुनते हो, पार्लियामेंट में जिनको वोट देते हो उनकी उम्र भी 5 साल, आप राजस्थान के लिए जिनको चुनते हो, विधायक जिनको बनाते हो विधानसभा में उनके लिए भी उम्र 5 साल की, तो 5 साल के बाद फिर से आपको मौका मिलता है कि क्या इन्हीं को वापस रखना है या सरकार बदलनी है, क्या इसी विधायक को वापस चुनना है या सरकार बदलनी है, क्या इसी सांसद को वापस रखना है या दिल्ली की सरकार बदलनी है, या इसी लोकसभा को वापस रखना है या उसमें परिवर्तन लाना है, ये मौका देश की जनता के सामने है। मैं आपसे कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। देश के हालात चुनौतीपूर्ण हो रहे, देश की हालत ठीक नहीं है। पिछले 9 साल से राज्य देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है और 9 साल से 90 घोटाले हुए। आप जानते हैं 90 साल में 2 साल में 90 घोटाले हुए, एक से एक बढ़कर घोटाला। कोई पार्लियामेंट का सेशन आए और घोटाला सामने आ जाता है, पार्लियामेंट में मसला उठता है और पार्लियामेंट ठप कर दी जाती है। सरकार घोटाले की जांच कराने को तैयार नहीं होती और देश का विपक्ष मिलकर के चाहता है कि घोटाले की जांच हो। इस स्थिति में पार्लियामेंट ठप हो जाती है। आप एक के बाद एक के लिए पिछले 2 साल में और खास तौर से पिछले 4 साल में तो लोकसभा कभी सही ढंग से चली नहीं, और जब लोकसभा सही ढंग से नहीं चली तो देश की समस्याओं का हल नहीं हो रहा। भाइयों बहनों, यह वह देश है जिस देश को दुनिया में शक्तिशाली देश स्थापित करने की पहल हमारे प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जो संसद के वक्त से राजनीति करते हैं, हम संसद के वक्त से राजनीति करते थे। इस देश में कांग्रेस का राज था, प्रदेशों में कांग्रेस का राज था। 1951 में जनसंघ की स्थापना हुई, एक नई पार्टी देश के राजनीतिक भाग्यता पर अवतरित हुई और तब से जनसंघ ने अपनी नीतियों के आधार पर 1975 तक इस देश में राजनीति की, और उस राजनीति में जनसंघ का पहला ध्येय था कि देश एक महान देश है, इसकी परंपराएं महान है, ये इतिहास में महान है, यहाँ के 120 करोड़ जो निवासी है वो बहादुर है, इस देश को दुनिया में अणुवतारी देश। आपको कहना चाहता हूँ, देश की सारी विश्व में 182 राज्य, विश्व इन 182 राज्यों में 5 राज्य सबसे बड़ी दादागिरी करते हैं, और वे 5 राज्य वो है जिनके पास एटम बम है, जो एटम बम चला सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में 1946 में उन्होंने बम चला करके और युद्ध जीता था, लाखों लोगों की उसमें जाने गई थी। ऐसा एटम बमधारी 5 देश इस दुनिया को चलाते थे। माननीय हमारे देश के नेताओं ने तय किया, भारतीय जनसंघ के नेताओं ने तय किया कि हम भी भारत को एटम बम का देश बनाएंगे, जिससे कि 5 देशों की दादागिरी बंद हो और हमारे भारत का स्थान बड़े स्थान पर हो। एटम बम हमारे वैज्ञानिकों ने बता दिया था, लेकिन उस एटम बम को चलाने की, खोलने की, प्रयोग करने की साहस कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं कर सका, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे और प्रधानमंत्री हो। लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने 1998 में, देश की जनता ने परिवर्तन किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के मत की जो उनकी घोषणा की, पहला काम एकदम बम फोड़ने का किया। आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पोखरण में
मई में अठानवे में 5 एकड़ बम फोड़े गए, दुनिया के देश चुनौती में आ गए, तहलका मच गया, हिंदुस्तान की दुनिया में एक ताकत देख रूप से उभरेगा। और अमेरिका ने कहा अटल जी एक मत छोड़ो, दुनिया के दूसरे देशों ने कहा भारत वाले एक मत छोड़ो, हम तुम्हारी नाकाबंदी करेंगे, आर्थिक स्थिति खराब देंगे, आपको किसी तरह का सहयोग नहीं देंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी थे जिन्होंने एकदम बम चला करके दुनिया को ये बता दिया कि भारत आज सबसे शक्तिशाली देशों में अपना स्थान रखता है। भाइयों बहनों, ये भूमिका मैंने आपके सामने क्यों रखी ये बताना चाहता हूँ। आज उस भारत देश की क्या हालत हो रही है, आज हमारा पश्चिम का पाकिस्तान जो पिंडी का शोरबा एक छोटा सा देश है जो आतंकवादियों को पढ़ा देता है, आतंकवादियों को पालना पालता है, वो आतंकवादी जब चाहे तब हिंदुस्तान में हिंसा पैदा कर देते हैं, हमारी लोकसभा पर हमला करते हैं, हमारे क्षेत्र में आकर के और कई तरह की हिंसा पैदा करके कई लोगों को मार कर चले जाते हैं, वो पाकिस्तान। और वो बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश को हमने बनाया, आपको याद होगा 1971 में लड़ाई हुई थी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और उस लड़ाई में मैं तारीफ करना चाहूंगा श्रीमती इंदिरा गांधी की, जो समय की प्रधानमंत्री थे, हमारे परिवर्तन थे, बेचारी दृष्टि से विचार नहीं मिलते थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़ करके दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश अलग कर दिया, पाकिस्तान अलग कर दिया, पड़ोसी मुल्कों को कमजोर कर दिया। आज वो बांग्लादेश जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने बड़ा भरोसा की थी, आज हमको आके दिखा रहा है। उड़ीसा और असम में 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ करके बैठे हैं, 3 करोड़ बांग्लादेश में आबादी ज्यादा, एक के बाद एक घुसपैठ करके और हिंदुस्तान की जमीन पर 3 करोड़, असम की राजनीति बदल दी, उड़ीसा की राजनीति बदल दी, और हमारा देश टुकड़ टुकड़ करके देखता रहता है, उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। उधर चीन हमारा आजाद होने के साथ भी एक स्वतंत्र देश के लिए अपने शर्म की बात है कि दूसरा देश उसकी भूमि पर कब्जा करके रहे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ चीन ने हमारी 41,000 किलोमीटर पर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाने वाले चीनी 1965 में जिस तरह से डांडोगढ़ के स्टेज पर हमला किए, वो 1962 का युद्ध था, उस युद्ध के बाद हमने कहा हमारी जमीन लौटाओ, आज तक चीन नहीं लौटा रहा है। और आज भी यदा कदा भारत भूमि पर अतिक्रमण करता रहता है, भारत भूमि पर अपने सैनिक भेजता रहता है, ऐसा चीन आज हमको आप दिखा रहा है। आप सोचिए राजस्थान देश की हालत क्या है, ये भूमिका मैंने आपके सामने रखी है। आज इस देश में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश की सुरक्षा करने वाला चाहिए, इस देश की आजादी को अक्षुण रखने वाला चाहिए, और ऐसा नेतृत्व आज उभर कर देश के सामने आया है, वो है नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना करके इस देश को सुरक्षित रखिए, ये पार्लियामेंट का मुद्दा होगा। की बात आखिरी हालत क्या हो रही है, नक्सलवादी 2 महीने पहले नक्सलवाद के नाम पर 32 लाख नेताओं की हत्या कर दी गई छत्तीसगढ़ में, 32, और राजनेता वो कांग्रेस के थे, लेकिन इस देश में हिंसा के आधार पर राज बदलने की नीति नहीं गई, हमने आजादी प्राप्त की है हिंसा से लड़ाई लड़की, और इसमें हिंसा के आधार पर कोई भी राज को बदलने की बात करता है, राज को चुनौती की बात करता है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये नक्सलवाद 1947 में नहीं था, ये नक्सलवाद 1957 में भी नहीं था, ये नक्सलवाद पैदा हुआ 1967 में, पश्चिमी बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलवाड़ी, वहां के कुछ नौजवान जो बेकार थे, जो बेरोजगार थे, जिनके साथ बेइंसाफी हो रही थी, जो आर्थिक दृष्टि से भूखमरी की दृष्टि से परेशान थे,
उन नौजवानों ने बंदूक उठा ली, शस्त्र उठा लिए और देश को इस बात का संदेश दिया, हमारी चुनी हुई सरकार है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, वो हमको न्याय नहीं दे पा रही। ये नक्सलवाद वहां से चालू हुआ, एक छोटी चिंगारी आज सारे देश में खतरा है। देश के 8 राज्यों में नक्सलवाद अपने पेट जमा चुका है और 131 जिलों में नक्सलवादी राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं, हिंसा के आधार पर, बंदूक के आधार पर, दबों के आधार पर। और आपको कहना चाहता हूँ, नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर और वहां से नक्सलवाद का कॉरिडोर चालू होता है, 8 प्रदेशों में 131 जालों में जिलों में जाते जाते तिरुपति बालाजी के मंदिर तक एक माओवाद का नक्शा खड़ा हो चुका है। ये आंतरिक नक्शा, हिंसा का नक्शा, बंदूक से बमों से सरकार बदलने वाले लोगों का नक्शा आज इस देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हम राजस्थान के लोग हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राजस्थान में भी नक्सलवाद के पेट पड़ चुके हैं। आपके यहाँ पर उसके यहाँ नहीं आ रहे, लेकिन जो हमारा दक्षिण राजस्थान है, उधर से पिंडवाड़ा, उधर से आपका उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ और दक्षिण राजस्थान का आदिवासी इलाका है। 63 साल के बाद भी इस आदिवासी इलाके को न्याय नहीं मिला। आज का हमारा आदिवासी बेरोजगार है, भूखा है, उसकी कोई राहत नहीं मिली। वो नक्सलवाद के लिए एक भूमि पैदा कर रहा है और अगर वहां पर पैदा हुआ नक्सलवाद राजस्थान में आगे चलेगा तो हिंसा की उस आग, हिंसा की उस चुनौती से निपटता। कांग्रेस की संदेश यात्रा लेकर निकले वसुंधरा राजे, स्वराज संकल्प यात्रा लेकर निकली है और ये अच्छा होता है राजस्थान के मतदाताओं के सामने कि कौन पार्टी क्या चाहती है, कौन पार्टी क्या कहती है, किस पार्टी के सिद्धांत क्या है, उसके आधार पर वोट देने का मन बनाए। लेकिन कांग्रेस की संदेश यात्रा फेल हो चुकी है और इसलिए फेल हो चुकी है कि उस संदेश यात्रा में आम जनता के लिए कोई संदेश नहीं। संदेश दो तरह के होते हैं, या तो शुभ संदेश या शोक संदेश। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत से पूछना चाहता हूँ, आपकी संदेश यात्रा में राजस्थान की जनता जो महंगाई से पूरी तरह पीड़ित है, महंगाई की मार से, महंगाई की चुभत से सारे बाजार की हालत खराब, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही, हर साल कोई कोई महंगाई का मुद्दा बढ़ता है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सब दवा चीजों के दाम बढ़ते हैं, अगर डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, अगर बिजली के दाम बढ़ते हैं सब चीजों के दाम बढ़ते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ अशोक जी ने गहलोत, आपके इस संदेश यात्रा में राजस्थान में देश में फिर नहीं महंगाई को कम करने का क्या फार्मूला है, अगर हो तो राजस्थान को बताओ। आज हमारा किसान परेशान है अच्छे बीज पाने के लिए, आज हमारा किसान परेशान है अच्छे खाद पाने के लिए, अच्छा खाद, अच्छा बीज, समय पर बिजली और खेतों को राहत देने वाले सारे उपकरण वो सस्ते हो। क्या राजस्थान के किसानों के लिए इस संदेश यात्रा में कोई संदेश है कि किसानों के लिए राहत मिलेगी? आज हमारा नौजवान दुखी है, बेरोजगार, आपके बीच के आपके पढ़े लिखे बच्चे बेकार घूम रहे हैं, जबकि 4 लाख सरकारी नौकरियां आज की तारीख में खाली पड़ी है। उन 4 लाख नौकरियों में अशोक जी गहलोत चाहते तो 4 लाख नौजवानों को नौकरी दे सकते थे, उनके पेट में रोटी डाल सकते थे और नौजवान के हाथों में अगर हमने पार्टी नहीं दी, खाने को उसका पेट नहीं भरा तो नौजवान नक्सलवाद की तरफ आकर्षित होगा, हिंसा की तरफ आकर्षित होगा, भूखा क्या नहीं करता। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत से, 4.5 साल में इस बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने के लिए, इन पढ़े लिखे मास्टरों की नौकरी देने के लिए, नर्सों की नौकरी देने के लिए, डॉक्टरों की नौकरी देने के लिए आपने क्या काम किए हैं?
ये संदेश यात्रा में कोई शुभ संदेश नहीं है और इसके लिए संदेश यात्रा फेल हो चुकी। अखबारों से आपको मालूम होगा संदेश यात्रा में नरेगा के मजदूरों को लाया जा रहा है, संदेश यात्रा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है, संदेश यात्रा में आज भी अशोक जी गहलोत क्या है वहां सरकारी कार्यक्रम रखे जा रहे हैं और सरकारी कार्यक्रम बहुत तेजी से सरकार के अधिकारियों को इस बात पर जिम्मा दिया जा रहा है। जाओ भीड़ जुटाओ, श्रोता लाओ और संदेश यात्रा को सफल करो। ऐसी स्थिति में राजस्थान में कांग्रेस की सफल संदेश यात्रा फेल हो चुकी है और जब फेल हो चुकी तो आज राजस्थान की जनता जल्दी से जल्दी बात का इंतजार कर रही है कि कब वोट देने के लिए आए और अशोक जी गहलोत को राजस्थान से चुनाव के द्वारा दूर कर दे। भाइयों बहनों, एक सरकार का पहला काम है न्याय व्यवस्था कायम करना, कानून व्यवस्था ठीक रखना, अपराध होने नहीं दे और अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ करके उनको सजा दिलाए। आज सारे राजस्थान में अपराधी खुले घूम रहे हैं। अशोक जी गहलोत गृहमंत्री है, उनके खाने वो माफियाओं के, बाहुबलियों के, नेताओं के और अफसरों के चंगुल में फंस करके आम जनता को किसी तरह का कोई राहत नहीं दे पा रहे, अपराधियों को पकड़ नहीं पा रहे, अपराध होने पर उनको सजा नहीं मिला पा रहे। ये आज सारे राजस्थान में कानून और व्यवस्था की स्थिति है और कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। दो उदाहरण, एक उदाहरण है जयपुर का, हमारे कटारिय, वो कटारिया लालचंद जयपुर के सांसद है, लोकसभा के सदस्य और दिल्ली में मनमोहन की सरकार के साथ मंत्री के रूप में वो बैठते हैं। उन लालचंद कटारिया के क्षेत्र में कालवार थाने में एक हत्या हो गई। लालचंद जी कटारिया वहां के सांसद, केंद्र के मंत्री, राजस्थान के गृह मंत्री अशोक जी गहलोत, एसपी, कलेक्टर सबको कह करके थक गए, कह रहे हत्यारों को पकड़ने के लिए तो पुलिस पहल करे, लेकिन पुलिस ने पहल नहीं की। भाई और भाइयों, सारे देश के राजस्थान के इतिहास में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा, एक केंद्र का मंत्री उसी की सरकार के थाने के सामने सात घंटे तक धरने पर बैठा। याद करोगे मिलता हूँ, ये है राजस्थान की पुलिस की हालत, ये है राजस्थान के थानों की हालत। पुलिस हिलती नहीं, थाने कुछ करते नहीं, अपराधी पकड़े जाते नहीं और राजस्थान का आम आदमी पीड़ा भोग रहा है अन्याय की, पुलिस के अन्याय की भी और माफियाओं के अन्याय की भी। और दूसरा उदाहरण दे दो आपको, एक तो ये रखा छोटी सादली के विधायक थे, बड़ी सादली के प्रताप चौधरी कांग्रेस के विधायक है, राजस्थान में कांग्रेस का राज है, दिल्ली में कांग्रेस का राज है। आजकल आपने देखा ये टावर कई तरह की जो टावर लगे हुए हैं, ये टावर हेल्थ पर कई तरह का प्रभाव डालते हैं। प्रकाश चौधरी ने अपने क्षेत्र में जो टावर थे उन टावरों को हटाने के लिए एक अर्जी दी, एस को दी, कलेक्टर को दी, चीफ सेक्रेटरी को दी, मुख्यमंत्री को दी, दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाई और किसी ने उसकी अर्जी पर काम करने का, काम देने का ध्यान नहीं दिया। आपको आश्चर्य होगा वह कांग्रेस का विधायक प्रकाश चौधरी टावर पर चलकर 6 घंटे तक लटकता रहा, अरे मेरी बात सुनो, नहीं सुनोगे तो मैं उल्टा सुल्टा बचकर बैठूंगा। तब राजस्थान की सरकार से भी उनको नीचे उतरवाया और उनके वो टावर हटाने की कार्यवाही चालू हुई। अब इससे आप अंदाजा लगाओ ये कैसे सरकार चल रही है, इससे आप अंदाजा लगाओ राज्य सरकार के काम करने के जो काम है, क्या राज्य सरकार उनको कामों को कर रही है। तो राजस्थान में, सारे राजस्थान में क्राइम क्राइम होती थी, रोज अखबारों में देखो कहीं प्रदर्शन हो रहे, कहीं घेराव हो रहे, कहीं जाम लगा रहे, कहीं झंडे खड़े कर रहे, कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसको करवाने के लिए जनता को कोई कोई आंदोलन नहीं करना पड़े। क्या ये सरकार है? इस सरकार को बदलने का अवसर आ गया। श्रीमती लक्ष्मी राजे यही संदेश यात्रा लेकर निकली है और
कांग्रेस में गड़बड़ाहट घबराहट है। किस बात की घबराहट है? तो 203 में जब वसुंधरा राजे राजस्थान में पहली बार आई थी, उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। अब मैं आपके सामने ये कह रहा था कि घबराहट इस बात की कि 2003 में जब वसुंधरा राजे पहली बार आई थी, सारे राजस्थान में परिवर्तन यात्रा की थी, मेरी इस परिवर्तन यात्रा के साथ का चार नहीं होता है। आज जो सुधार संकल्प यात्रा निकल रही है, आज भी मैं 4 महीने से उनके साथ हूँ, 3.5 महीने हो चुके, 4 महीने पूरे हो जाएंगे। उस समय भी दोस्त था जनता में, और एक ऐसा दोस्त ऐसी नेत्री आई थी वसुंधरा राजे, जिन्होंने पहली बार एक कमाल किया। आप कहेंगे क्या कमाल? भाइयों बहनों, राजस्थान की राजनीति को जानने वाले जानते हैं कि 2003 तक इस राजस्थान में कांग्रेस के मुकाबले कोई पार्टी बहुमत में नहीं है। जोड़ तो हुई, गठबंधन हुए, ये सारी बातें हुई, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मुकाबले कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आई। ये वसुंधरा राजे का नेतृत्व था, उनका राजनीतिक कौशल था कि 2003 में कांग्रेस के मुकाबले 120 सीटें जीत करके उन्होंने बहुमत दिलवाया और भारतीय जनता पार्टी के शासन कायम हुआ। कांग्रेस के 156 सीटें थी, अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनको धूल चटा करके और 56 सीटों पर लाकर बिठा दिया। ये था वसुंधरा राजे का कमाल। आज वही वसुंधरा राजे जब राजस्थान में घूम रही है तो कांग्रेस के हर सुने हुए घबराहट, बहुत ही बेचैनी और तरह तरह के हल्के पुलके आरोप, हल्की फुल्की भाषा में कई तरह की झूठी कहानियां बना करके जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का 5 साल का वसुंधरा राजे का शासन देखा है, और उस शासन को देखते हुए इस बार शासन निश्चित रूप से बदल रहा है। आप मान के चलो कि नवंबर में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आएगा, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेगी और इस राजस्थान में एक विकास का और एक शांति का काम नया प्रकाश चालू होगा। यही बात कह करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।